दशकों से पूर्वांचल पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था और कई गंभीर बीमारियों के अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे JES, AES, जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गई थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिए अनेकों कदम उठाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय निर्माण से दैनिक जीवन में स्वच्छता पर जोर दिया, जिससे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आम जन को जोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज आम नागरिक इलाज में खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज समय पर करवा पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल को एम्स की सौगात दी। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण को व्यापक बनाया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो समस्या के मूल कारण से भली भांति परिचित थे, उन्होंने सांसद रहते हुए भी बार बार इस बीमारी की गंभीरता और इसके उन्मूलन के लिए लगातार आवाज उठाई और लगातार प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री जी ने जापानी बुखार के पूर्वांचल से उन्मूलन को प्राथमिकता बनाया। इसके लिए 7 विभागों के समन्वय से इस पर नियंत्रण की योजना बनाई। टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाए। जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचारी रोग अभियान व घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। आसपास के क्षेत्रों की सफाई करवाई। इसके सार्थक परिणाम आए और जापानी बुखार के केसों में गिरावट आई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हर गांव तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वर्षों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूर्वांचल के साथ साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार के प्रकोप से बाहर निकल आया है और इससे होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर की 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां जापानी एंसेफेलाइटिस सहित विभिन्न कीटाणु व विषाणु जनित बीमारियों का परीक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। अब सैंपल जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं भेजना पड़ेगा और सही इलाज तुरंत शुरू हो सकेगा, जिससे पूर्वांचल के जनपदों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सोच ईमानदार, काम दमदार।